दोस्तों, टेंथ के बाद स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां उन्हें डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता सबसे बेहतर और सुलभ है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया ये अहम फैसला उनके फ्यूचर को डिसाइड करता है। गलत विषयों के चयन से सफर मुश्किल हो जाता है, जबकि सही विषयों के चयन से मंजिलें आसान। बावजूद इस जानकारी के, आज भी हमारे समाज में युवा दिग्भ्रमित हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। क्यों मैथ्स को पढ़ने वाला स्टूडेंट साइंस, साइंस को पढ़ने वाला कॉमर्स, कॉमर्स को आर्ट्स, वाइस वर्सा चूज कर लेता है? आखिर हमारी दुनिया क्यों केवल मैथ्स, साइंस और कॉमर्स तक ही सीमित है? क्यों पेरेंट्स बच्चों पर अननेसेसरली प्रेशर बनाते हैं? जो चीज हम करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, जिस चीज को चाहते हैं उसे पा नहीं पाते हैं, आखिर क्या वजह है? आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, माई करियर डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद, लेकर आया हूं फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैसे पढ़ें क्या करें। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपका एक बार माई करियर डॉक्टर में स्वागत है, जो कि दुनिया की एकमात्र स्टूडेंट्स हित में जारी यूट्यूब चैनल है जो हमेशा केवल स्टूडेंट्स हित की ही बात करती है। तो आइए आज हम कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेकर जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कौन सी गलती करी जो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में वो गलती ना करें। तो पहले इस इंटरव्यू को हम देख लेते हैं। तो आइए कुछ बच्चों के, स्टूडेंट्स के और प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू से हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर टेंथ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज काजल शर्मा। काजल शर्मा, क्या करती हैं काजल आप? अभी पढ़ाई कर रही हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर। खुश हैं आप अपने बीए की पढ़ाई से? नो सर। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मेरे भैया फोर्स किए कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं बनो, तुम आर्ट्स लेकर अपने घर में ही पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाऊँ। घर से बाहर नहीं चाहते कि वो जाए। अच्छा। और मुझे जब से मुझे आर्ट्स दिए हैं पढ़ने के लिए, तब से मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रही। मन जो है वो टूट सा, दिल टूट गया आपका पढ़ाई से। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके घर वाले ऐसा क्यों चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज का अभाव हो, वो नहीं चाहते कि बेटी की पढ़ाई ज्यादा हो, या क्या रीजन है एग्जैक्टली? एक्चुअली हमारे रिलेशन में ही ऐसी हो रही है। अच्छा, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, लोग नहीं चाहते कि वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें? ज्यादातर मैं जानती हूँ कि हमारे घर से, हमारे रिश्तेदार में जितने सारे लड़कियां हैं उनको कभी छूट दिए ही नहीं। नहीं दिया छूट, मतलब वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, पराया धन है, बस यही सोचते हैं कि क्या करेगी पढ़ के, आगे पढ़ेगी तो वही काम करेगी जो हम कर रहे हैं। अब आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं सोची थी तो वो तो नहीं पूरा हो पाया, बट अभी जो भैया बोले हैं कि आर्ट्स ले लो, आर्ट्स करो, तो मैं सोच रही हूँ कि आर्ट्स लेकर मैं अच्छी एक टीचर बनूं। टीचर बनना चाहते हैं, अच्छा लगता है आपको? या अभी अभी इंटरेस्ट है बस। अभी इंटरेस्ट है, बाद में चेंज हो सकता है? नो सर। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? चलिए ठीक है। वैसे मैं देखिए आपको कहना चाहूंगा कि टीचर्स आर द रियल नेशन बिल्डर्स, दे आर द सोशल वर्कर्स, दे गाइड एंड शेप द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छा टीचर बने। आपके परिवार वालों को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी ये सलाह अच्छी लगे तो आप इतनी ईमानदारी से पढ़िए और ऐसे काम कीजिए, इतना अच्छा टीचर बनिए धांसू कि आपके परिवार वाले आपसे आके बोले कि बेटा मैं गलत था, तुम सही हो। मेरा नाम प्रकाश सिंह आजाद है, मैं एक करियर काउंसलर हूँ। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। वेरी गुड। ऑलराइट संतोष, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 11वीं में पढ़ते हैं आप? तो जब आपने 10th किया था तो क्या सोचा था आपने, आई मीन लाइक कोर्स को लेके? जब मैं 9th क्लास में था तब मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, लेकिन मैं कमजोर था साइंस में। वेरी गुड। बट मेरी मैथमेटिक्स जो थी वो अच्छी थी। वेरी गुड। उस समय मैंने ये सोचा था कि मैं आफ्टर 10th कॉमर्स चूज कर लूंगा। वेरी गुड। बट जब मैंने फिर अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर ली, तब मैंने सोचा कि जब मेरा इंटरेस्ट साइंस में है तो मैं कॉमर्स में क्यों जा रहा हूँ। हाँ जी। तब मैंने एट द लास्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे साइंस में ही जाना चाहिए। ओके। हालांकि मैं स्टार्टिंग से
मुझे लग रहा था कि मैं साइंस में कमजोर हूँ, स्टिल आई चूज इन साइंस इन माई 11th क्लास. ओके, तो साइंस से खुश हैं आप? जी खुश तो हूँ, पर आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंस, बिकॉज मुझे परेशानी हो रही है, मुझे हार्ड लगता है ये सब्जेक्ट अब. कहने का मतलब ये है कि संतोष जो कि इस वक्त 11th साइंस में है, अगर इसे एक अच्छा काउंसलर मिल गया होता या किसी ने सही से गाइड किया होता तो शायद इसके साथ ये नौबत नहीं आती और ये अपने दिल की जो सब्जेक्ट जो ये चूज करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो पढ़ पाता. खैर, ऑल द बेस्ट संतोष, दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट कि यू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आप क्या करते हैं सर? सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ. जॉब कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? राम उद्गार सिंह. राम उद्गार सिंह. Alright. राम जी, आप मुझे ये बताइए कि जब आप 10th कर रहे थे उस वक्त आपके माइंड में करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग थी? सर उस टाइम मैंने डॉक्टर बनना चाह रहा था, इसलिए मैंने 12वीं में साइंस रखा बायो साइड से और मैंने किया भी, और लेकिन मैं किसी तंगी के कारण मैं पढ़ाई को क्विट अप करना पड़ा और फिर मैं जॉब करने लगा. और जॉब करते टाइम अब हमें फील हो रहा है कि जॉब की अब हमें फील हो रहा है कि मीन्स अब हम अगर कॉमर्स साइड से किए होते तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता. कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही हुआ जो आमतौर पे हमारे समाज में होता है. आप देखेंगे 80% से ज्यादा बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है. तो मतलब अब आप इस बात को फील कर रहे हैं कि भाई अगर आपने मींस कॉमर्स से पढ़ा होता तो ये आपके प्रोफेशनल करियर में ज्यादा बेनिफिट होता. कहने का मतलब सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ. यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट. तो अब आप युवाओं को, आप भी युवा हैं, आई एम सॉरी, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप पहले एक गोल बनाइए, आप क्या बनना चाहते हैं. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या एक प्राइवेट एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं. जो भी आप चूज करते हैं उस गोल के और उस गोल को फिर उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनिए. अपने मन से आपके साथ ही साइंस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप भी उनके साथ चल दिए, ये अच्छा नहीं है. आप खुद का एक लाइन गोल बनाइए. मतलब समाज को मत देखिए कि दुनिया क्या कर रही है, आपके भाई यार दोस्त क्या कर रहे हैं. जो आपको अच्छा लगता है, मींस जो इंटरनल एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड और स्वधर्म, दैट यू हैव टू डिसाइड कि भाई करना क्या है आपको, और उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो चूज कीजिए. बेवजह किसी के चक्कर में आके, किसी को देखकर, किसी को सुनकर और समाज की वजह से ये डिसाइड आप मत कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम उद्गार सिंह जी. माय नेम इज सिंपी. अच्छा सिंपी, क्या करती हैं आप? आई कंप्लीटेड माय 12th. अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ. बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री है, वेरी गुड केमिस्ट्री. अच्छा ये केमिस्ट्री आपने अपने मन से लिया था या किसी ने प्रेशर बनाया था? नहीं, मैं अपने मन से नहीं ली थी. जब मैंने 12th कंप्लीट किया था तो मैंने केमिस्ट्री में मेरे कम मार्क्स आए थे, तो एक टीचर, वो मेरे टीचर है, उन्होंने बोला कि टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, 12th में क्यों कम आए. तो आई फील गिल्टी, सो आई डिसाइड कि आई चूज केमिस्ट्री. आई ट्राई टू प्रूव हिम नो आई एम गुड. अच्छा मतलब आपको ये साबित करना है कि भाई मैं केमिस्ट्री में अच्छी हूँ, चूंकि आपके कम मार्क्स आए थे इसी वजह से आपने केमिस्ट्री लिया. आपको अच्छा लगता है, मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में? Now I face problem, but I try. But I face lots of problem in chemistry. Chemistry. अच्छा आपने 10th के बाद science रख लिया, I think biology. तो जो maths रखा था आपने, तो आपका decision सही था या गलत? I happy with my decision. Happy. Because my math and physics both are good. Thank you. चलिए कम से कम एक बच्चा ऐसा तो मिला जिसे subject लेकर खुशी मिल रही है. I wish you all the best, Simpi. और मैं चाहूंगा कि आप chemistry honors से पढ़ाई करें, biotechnology और बहुत सारे ऐसे courses हैं जिसे आप कर सकते हैं. I wish you all the best. Thank you very much, Simpi. अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका नाम क्या है? गौरी साकिया. गौरी साकिया. मेरा नाम प्रकाश सिंह आजाद है और मैं करियर काउंसलर हूँ. अब ये बताइए क्या करती हैं आप? I have completed my 12th right now and I'm learning English just. अच्छा आप English सीख रही हैं? अच्छा very nice, good job. Computer also. तो क्या subject था आपका 12th में? 12th में PCM. PCM था? Yes. खुद से लिया था या पापा ने जबरदस्ती दिलवाया था? खुद से ही लिया था. because yes, पापा तो चाहते थे कि मैं बैंकिंग लाइन में जाऊँ तो कॉमर्स लूँ, बट ये मेरा ही डिसीजन था कि मैं PCM लूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स व्हाई. अच्छा पापा चाहते थे कि बैंकिंग लाइन में जाए, आप कॉमर्स ले. पापा को पैसे से बहुत प्यार है क्या? यस सर. अच्छा इसीलिए पापा चाहते थे कि कॉमर्स ले और बैंकिंग लाइन में जाए. अच्छा ये बताइए कि आप बैंकिंग लाइन में गए क्यों नहीं?
सर आई डोंट लाइक, मतलब बैंकिंग अच्छा है बट मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, इसलिए मुझे साइंस में इंटरेस्ट था मेरा। अच्छा, तो यू हैव डिसाइडेड लाइक दैट यू हैव टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, मैथ्स कैसी है आपकी? मैथ्स अच्छी है सर। अच्छा, तो पता है ना आपको डिजाइनिंग में लाइक प्रोग्रामिंग में मैथ्स की जरूरत होती है, वो लॉजिक की जरूरत। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप वही कीजिए लेकिन एक बार पेरेंट्स को समझा लीजिए और वो भी समझ जाएंगे। पापा भी खुश है सर। खुश हैं पापा? यस सर, खुश हैं। तो अब आप लाइक मैथ्स बीसीए करना चाहती हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फिर आप उसके बाद एमसीए लाइक डिजाइनर, यू वांट नॉट डिजाइनर प्रोग्रामर, यू वांट टू बी। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं चाहूंगा कि आप वही बने जो आप चाहती हैं। मेरा नाम कैलाश कुमार है। कैलाश खेर? यस सर। कैलाश खेर? कैलाश कुमार सर। अच्छा, कैलाश कुमार, कहाँ से हैं आप कैलाश जी? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। यूके से? यस सर। अरे वाह, क्या करते हैं इस वक्त आप? सर मैं अभी बीए कर रहा हूँ और इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। बीए कर रहे हैं आप और इंग्लिश सीख रहे हैं? यस सर। बीए क्यों कर रहे हैं आप? सर बिकॉज आई बिलोंग टू आर्ट साइड, दैट्स व्हाई आई डूइंग। अच्छा, आर्ट साइड से आप बिलोंग कर रहे हैं इसलिए आप बीए कर रहे हैं। बीए का क्या मकसद है आपका? सर बीए का मकसद ये है सर, मैं ओनली आई वांट टू डिग्री है सर। अच्छा, आप केवल डिग्री चाहते हैं? Yes, sir, मतलब लड़की वालों ने डिग्री मांगा है क्या? आई डोंट लाइक बीए सर, आई वांट टू डू पॉलिटेक्निक बट आई दैट टाइम आई हैव नो गाइडेंस, दैट्स व्हाई आई डू सर। मुझे सर उस समय जो है आफ्टर ट्वेल्थ मुझे कोई गाइड नहीं मिला जिसके कारण मुझे मजबूरन बीए करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि इनको, कैलाश जी को, ट्वेल्थ के बाद कोई ढंग की गाइडेंस नहीं मिली और जिसकी वजह से आपने जो है वो मतलब कि बीए चूज किया। हालांकि आपको बीए में मन नहीं लगता? यस सर, यस सर। आप पॉलिटेक्निक करना चाहते थे, किस चीज से पॉलिटेक्निक करना चाहते? इलेक्ट्रॉनिक्स सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आई मीन यू लाइक द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ऑल। ऑलराइट, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीए के बाद भी आप वो कर सकते हैं? यस सर, मुझे लेकिन अब पता चला सर, लेकिन पहले मुझे पता, आई थिंक आफ्टर बी आई कैन डू। कहीं ना कहीं आपको भी फील होता है कि ट्वेल्थ के बाद अगर सही गाइडेंस मिला होता तो आप लाइक पॉलिटेक्निक कर लेते। ठीक है कैलाश, देखिए मैं आपके समय को वापस तो कर नहीं सकता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो अभी भी पॉसिबल है। आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए अच्छे कॉलेजेस के, वहां से पॉलिटेक्निक कीजिए, 2 साल या 3 साल का होगा ट्वेल्थ के बाद, और करके आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम है यशु कुमार राव। यशु कुमार राव, यस सर। क्या करते हैं मिस्टर राव आप? सर एट दिस टाइम आई एम डूइंग बीए सेकंड ईयर। अच्छा, बीए सेकंड ईयर। यस सर। क्या मकसद है आपका? सर मेरा मकसद है कि बीए के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। यूपीएससी? यस सर। बिकॉज सर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी 10+2 ऑन दैट टाइम आई शॉक्ड, ऑन दैट टाइम आई फाइनली माय आई डिडंट डिसाइडेड माय गोल। ये यूपीएससी आप किसकी वजह से कर रहे हैं? दहेज के लिए? नो सर, बिकॉज इट्स माय स्ट्रेंथ सर। अच्छा, स्ट्रेंथ है आपका यूपीएससी। क्या बनेंगे, आईएएस या आईपीएस? सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आईएएस या आईपीएस? आईएएस बनना चाहता हूं। आईएएस बनना चाहते हैं? आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आई एम सक्सेसफुल भी होता है। आई एम सक्सेसफुल, यस सर। थैंक यू वेरी मच। ये पहले से ही डिसाइड किया था आपने यशु जी? डिसाइड नहीं किया था, 10th 12th में तो बिल्कुल मैं ये चाहता था कि मैं ये बनूं, क्या पायलट बनो सर। पायलट बनना चाहते हैं? अच्छा, बट नोबडी गाइडेड मी, दैट्स व्हाई आई लॉस्ट माय गोल एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि आई एम डूइंग बीए एंड माय सब्जेक्ट्स आर जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशिएंट हिस्ट्री एंड एट दिस टाइम आई एम हैप्पी सर। आप इस वक्त खुश हैं? yes, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। yes, चलिए, खैर उस वक्त की तो मैं बात नहीं कर सकता और वापस भी नहीं दिला सकता जब आप पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको जो कंप्लीट करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा साक्या। अच्छा, नेहा साक्या, क्या करते हैं नेहा? बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर, आपको देख के तो 9th क्लास में लगता है कि आप पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा, एनीवेज, अच्छा बीएससी सेकंड ईयर, पक्का? ओके, बीएससी में क्या है? मैथ्स ऑनर्स। अपने मन से चूज किया था आपने मैथ्स? यस, बिकॉज सो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी दो सिस्टर है मुझसे मतलब बड़ी, उन्होंने ओनली बीए किया है, सो मेरी फैमिली ने मतलब सजेशन दिया कि तुम बीएससी करो। अच्छा, मतलब इनकी फैमिली में सारे आर्ट्स के बच्चे थे तो पापा ने बोला कि बीएससी करो ताकि यू नो। अच्छा, तो इसीलिए आपने जो है वो बीएससी किया? yeah. अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको बीएससी करने में? बट आई डोंट लाइक मैथ। अच्छा, मैथ्स आपको पसंद नहीं है? वैसे भी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, लड़कियों का ना मैथ से 36 का आंकड़ा है। सीरियसली मत लीजिएगा। एनीवेज, अच्छा आपका भी 36 का आंकड़ा है। yeah. राइट, तो क्या करना चाहते हैं आप? मैथ से कुछ करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, बट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है? अच्छा, केमिस्ट्री से ना बॉयज का 36 का आंकड़ा है। एनीवेज, अच्छा तो अब आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं प्रॉपरली लर्निंग इंग्लिश सीख रही हूँ। मतलब क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में आप? आई डोंट नो।
अभी तक डिसाइड नहीं किया है. थैंक यू वेरी मच. तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको शुरू जब आपने टेंथ किया सही गाइडेंस मिला होता तो क्या करते आप? मैं जब टेंथ क्लास में थी तब मुझे ना आर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता था. आर्ट्स स्केचेस. ओके ओके. तो अगर आपको सही गाइडेंस मिलता तो आप अच्छा कर पाते. चलिए मैं आपको बीते हुए समय को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन चाहूंगा जो आप चाहते हो आपको जल्द से जल्द मिले. आई विश यू ऑल द बेस्ट. ने अच्छा लगा आपसे बात. आपका नाम क्या है? हर्ष. हर्ष अच्छा. हर्ष क्या करते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ और 10th क्लास में हूँ. पूरे दिन क्रिकेट खेलते हैं? नहीं नहीं, मेरी कोचिंग रहती है, माय कैरियर डॉक्टर इंग्लिश कोचिंग. अच्छा. और शाम को एकेडमी रहती है और 10th क्लास मेरी उसकी कोचिंग कर रहा हूँ. आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? यस. क्यों? मेरा गोल है क्रिकेट, बिकॉज मेरे पढ़ाई में मम्मी लोग मेरे बहुत सपोर्ट किए, लेकिन मैं क्रिकेट ही खेलना चाहता था. अच्छा. कभी आपको ऐसा लगा कि दिन में कितने भी धूप हो कितने भी ठंड हो आपका मन करता है कि बैट उठाओ? yes. बॉल उठाओ मन करता है? वेरी गुड. इसका मतलब है कि जुनून है आपके पास. yes. आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट में करियर नहीं है, कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे इंटरनेशनल तो खेल नहीं पाओगे, बस थक हार के बैठ जाओगे. तो अगर आपके साथ ऐसी नौबत आई आप एक इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सके, रणजी आपको नहीं मिले मौका खेलने का, तो आप क्या करेंगे? यदि मेरे को खेलने का मौका नहीं मिला तो मैं एक अपनी खुद की एकेडमी खोल सकता हूँ और मैं कोच बन के बच्चों को सिखा भी सकता हूँ. That's what I like this spirit. आमतौर पे होता क्या है, जब कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको लगता है कि मैं नेशनल इंटरनेशनल या रणजी खेलूंगा, और जब वो नहीं मिलता है मौका खेलने का तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और वो फिर हर चीज से मुंह मोड़ लेता है. लेकिन मुझे इस बच्चे की बात बहुत अच्छी लगी जिसने कहा कि अगर मुझे मौका नहीं भी मिले तो मैं कोच बनकर लोगों को सिखाऊंगा. यही होना भी चाहिए. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू विल लीड एंड इफ यू लूज यू विल गाइड. सही मायने में टीचर्स गाइड होते हैं और टीचर्स को मेरा सत सत नमन. थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल. मैं तो चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल खेले. आपका नाम क्या है? हर्ष. हर्ष नाम है. खुशी हुई मुझे आपसे बात करके हर्ष. आपका नाम क्या है सर? आप तो हाफ पेंट में आए हैं. सर मेरा नाम नितेश है. आप हंस के अपना नाम बताते हैं. सर हंसना एक अच्छी हैबिट होती है और एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है अगर आप हंस के बात करते हैं दूसरों से. वेरी गुड. अच्छा लगा आपसे बात करके. नितेश जी क्या करते हैं आप? सर नाउ आई एम डूइंग BCA. BCA? बाप के कैस पर है? नो सर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सॉरी मुझे पता नहीं था. अच्छा. क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मेरा प्रयास जारी है. 10th के बाद आपने क्या सोचा था और कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया था? सर 10th के बाद एक ही दिमाग में गोल था, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है. और उसके चक्कर में कॉमर्स ली भी और पास आउट हुए, अच्छे नंबर भी आए. बट फिर जाके पता लगा कंप्यूटर हाथ में, एक दिन कंप्यूटर हाथ में आ गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर की लत लग गई. अच्छा. तो फिर एक ऑप्शन था मेरे पास BCA करने का, तो मैंने सोचा BCA ही कर लेना चाहिए क्योंकि बिजनेसमैन तो ऐसे ही बन सकते हैं और वैसे ही बन सकते हैं. क्योंकि प्रोग्रामर ऐसे वैसे नहीं बन सकते. ऐसे वैसे नहीं बन सकते, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि ऐसे वैसे नहीं बन सकते हैं. बट BCA बिजनेसमैन तो मैं अब भी बन सकता हूँ, BCA करते करते भी और करने के बाद भी. अच्छी लगी आपकी सोच. काश आपकी जैसी सोच सारे युवाओं की हो तो बहुत मजा आएगा. वैसे आपको 10th के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैथ्स रखना चाहिए था ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर, वैसे अभी भी आप बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स वाले बच्चे ही बनते हैं, लेकिन अगर 10th के बाद आपको अच्छा गाइडेंस मिला होता तो आप मैथ्स रखते और मैथ्स के बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनते, ऐसा नहीं लगता आपको? सर मैथ थी मेरे पास. अच्छा मैथ्स था एक्स्ट्रा. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बने, एक अच्छे बिजनेसमैन भी बने, जो भी आप चाहे उसमें बने. थैंक यू वेरी मच नितेश. गुड जॉब. आपका नाम क्या है? माय नेम इज दिनेश. दिनेश नाम है आपका. वेरी गुड. मेरा नाम प्रकाश है. यस सर. दिनेश जी क्या करते हैं आप? जी मैं अभी 12th क्लास में पढ़ाई करता हूँ. 12th में पढ़ाई कर रहे हैं आप? यस सर. अच्छा 12th में पढ़ाई कर रहे हैं. क्या है सब्जेक्ट आपका? PCM. खुश हैं आप? यस सर मैं खुश हूँ. ओके खुश हैं आप. तो क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है. अच्छा पापा का सपना. यस. अच्छा आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो ये है कि मैं एक बिजनेसमैन बनके बनूं बढ़िया. और बिजनेसमैन? यस. तो कैसे आप इंजीनियर प्लस बिजनेसमैन बनेंगे? क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है. कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हैं दोस्त आप? जी मैकेनिकल इंजीनियर. ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप मैकेनिकल इंजीनियर बनिए, कुछ दिन जॉब कीजिए और फिर अपनी एक अच्छी सी शानदार कंपनी लॉन्च कीजिए मैकेनिकल से ही रिलेटेड, ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है सर. और मैंने सोचा भी ऐसा करने के लिए, बट हो सकता है मुझे इसको करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं करूंगा.
मुझे आपकी सोच को रियली दाद देना होगा, क्योंकि आमतौर पे बच्चे कहते हैं कि भाई 12th पास कर लूं यही बहुत बड़ी बात है, और आप सोच रहे हैं पहले इंजीनियर बनूं फिर बिजनेसमैन बनूं, आप सोच रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। दरअसल हम वही पहुंचते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंचती है। तो आपकी सोच को सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था एक सोशल एजुकेशनल ऑडिट जिसमें हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि 10th जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का, अगर आपने 10th इस वक्त किया है, करने वाले हैं या फ्यूचर में करेंगे, आपका कोई भाई, आपका दोस्त, आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी अगर 10th के बाद वो अहम फैसला लेना होता है तो उस वक्त उन्हें थोड़ा सा मौका दीजिए। और अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो भी आप 10th के बाद विषय को चयन करते हैं सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इस पर पूरी भविष्य जो है वो हमारा टिका होता है। और अहम इसलिए है क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप चाहते हैं और अगर आपको वही सब्जेक्ट मिले तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हालांकि अगर इस चीज को बेहतर जानना चाहते हैं कि हमें पसंद क्या है, हमारा एप्टीट्यूड क्या है, तो इसके लिए आप एक हमारा वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल माई करियर डॉक्टर पर, जिसका नाम है हाउ टू चूज करियर, और साथ में टाइप कर दीजिएगा मेरा नाम यानी कि प्रकाश सिंह आजाद या फिर माई करियर डॉक्टर, तो वहां से आप ये देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। बहरहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसे पढ़ने में आपको मजा आता है। पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अननेसेसरली प्रेशर मत बनाइए बच्चों पे, आप उन्हें थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट विलेजेस में बहुत दूर दराज गांवों में रहते हैं जहां पे साइंस यानी मैथ्स रखना मुश्किल है, फिर भी कुछ ऐसे तो तरीका है। और केवल मैथ, साइंस और कॉमर्स तक अपनी दुनिया को सीमित मत रखिए, आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज को भी जानने की कोशिश कीजिए। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बीटेक पैसे वाले करते, पॉलिटेक्निक गरीब, ये धारणा भी हमारे समाज की गलत है। पॉलिटेक्निक जैसे सब्जेक्ट्स में भी, माफ कीजिएगा, कोर्स और चीजों में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, माई करियर डॉक्टर फेसबुक पे भी आप हमसे मिल सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, और हमारा जो वेबसाइट है www.mycareerdoctor.in, आप वहां भी चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, आप इंडिया, हिंदुस्तान या विश्व के किसी भी कोने में है, कोई भी डाउट हो, इधर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे चैनल यूट्यूब या फिर वेबसाइट, और पर्सनल जो हमारा ईमेल है वो है mycareerdoctor.in@gmail.com पर भी आप चाहें तो हमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। बट जो भी आप फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए। पॉलिटेक्निक और आईटीआई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जिसे आप कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग से लेकर लेदर इंडस्ट्री और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बस करना आपको है। तो जो भी आप फैसला लेते हैं अपनी जिंदगी में वो आपका एक अहम फैसला होता है, प्लीज जानबूझकर ऐसे सब्जेक्ट का चयन मत कीजिए जो आपके दोस्त करते हैं, जिसे आपके पेरेंट्स आपको जानबूझकर कहते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा। तो आप अपने सीनियर या फिर प्रोफेशनल की लाइफ की गलतियों से आप यही सीख सकते हैं कि आप जो भी कदम उठाए वो सोच समझ कर उठाए, फैसला आपको लेना है, जिंदगी आपकी है, करियर आपको बनाना है, बस हमारा काम है आपको बताना। अगर आपको हमारी सलाह अच्छी लगती है तो प्लीज उसे फॉलो कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तब तो और ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि बात आपके हित की है। और जहां तक बात है माई करियर डॉक्टर की, तो ये दुनिया की एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ स्टूडेंट्स हित में जारी है और ये हमेशा स्टूडेंट्स के हितों की बात करती है।